शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नहीं कर सकता मैं देर यार, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। फिर क्लाइंट बिना मिले चला गया तो? हाँ सुनिया बोलो। अबे क्लाइंट कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं? ए, बाहर निकल। मेरे साहब की गाड़ी जोगी तूने? आगे इतनी देर हो गई है और अब ये सब गलती होगी, माफ कर दीजिए, बस अभी जाने दीजिए बस। तू नहीं समझ रहा है, मंत्री की गाड़ी ठोकी है तूने, तुझे तो अब पुलिस भी नहीं बचा पाएगी, तू थाने जाएगा। अब समझ क्यों नहीं रहे, मेरा जाना जरूरी है प्लीज। हेलो इंस्पेक्टर साहब। सिया बेटा चलो जल्दी से उठो, स्कूल के लिए तैयार होना है आपको, आज तो आपकी फेवरेट ड्रामा क्लास भी है ना? सिया चलो उठो उठो, उठ के बैठो। मम्मा मुझे अकेले छोड़ दो ना, मुझे सोना है, स्कूल नहीं जाना। आज आपको स्कूल के लिए मैं तैयार करूंगी। सिया उठो ना आप, चलो। मम्मा आप मुझे ऐसे स्कूल क्यों भेजना चाहते हो जहाँ पे मेरे साथ? सिया क्या हुआ है, आपके साथ स्कूल में कुछ हुआ है क्या? बेटा जो भी बात है ना आप मुझे बताओ, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी बात है आप मुझसे खुलकर शेयर कर सकते हो, मैं सब ठीक कर दूंगी बेटा, आई प्रॉमिस, जो भी बात है मुझे बताओ। ठीक है हो गई गलती, आप प्लीज मेरी बात तो समझने की कोशिश कीजिए। सर प्लीज, हम सब समझ रहे हैं। मंत्री की गाड़ी को टक्कर मारना आपके हिसाब से ये सिर्फ एक गलती है या जुर्म? मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, मेरी 2-6 साल की बच्ची है, आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, मेरे नाम से आपको एक चालान तक नहीं मिलेगा, मेरी एक इम्पोर्टेंट डील थी जो कि मेरे हाथ से निकल गई। आप थाने में खड़े हैं, अपने दोस्त के साथ नहीं बैठे हैं कि गलती बता के चाय की चुस्की ले ली। एक तो मंत्री की गाड़ी को टक्कर मारना और ऊपर से ये बदतमीजी, ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। मैम बड़ी बात तो तब होती अगर मैंने जानबूझ के किया होता, मुझे कब से यहाँ लाके खड़ा रखा है, मेरी डील थी जो कि कैंसिल होगी, मेरी माँ का इलाज करवाना था मुझे। मैडम जी जुर्म करके हमेशा ऐसे लोग दुखियारी माँ की कहानी सुनाते हैं ताकि तरस खा के केस वापस हो जाए। ये मेरे साथ आज ही क्यों होना था? देखिए ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारे स्कूल में बुलिंग को लेकर हमारे टीचर्स हमारा स्टाफ बहुत ज्यादा सावधानी बरतता है, ऐसा आपको लगता है मैम? क्योंकि बुलिंग तो फिर भी हो रही थी और जिस वक्त ये सब कुछ हुआ उस वक्त कोई टीचर वहां पर क्यों नहीं थी? हम यहाँ पर अपने बच्चों को स्कूल में आप लोग के ही भरोसे तो भेजते हैं ना। समर, ये तुमने किया है? सिया बेटा, पक्का आपको समर नहीं मारा है? समर नहीं आपके बाल खींचे थे? समर नहीं जबरदस्ती आपका लंच बॉक्स छीना था? बताइए। सिया, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, जो बात है आप सच सच बताओ, मैं हूं ना आपके साथ, आपको डरने की जरूरत नहीं है। Yes, ma'am. No, ma'am. ये झूठ बोल रही है।
बस अमर, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे अभी तुम्हारे मम्मी पापा को ये सब बातें बतानी होगी। बुलाइए अभी समर के पेरेंट्स को, हमें अभी उनसे बात करनी है। यस मैम। थैंक यू मैम मेरे हालात समझने के लिए। मैं भी एक माँ हूँ मिस्टर त्रिपाठी, मैं आपकी हालत समझ सकती हूँ, लेकिन अगर ऐसी गलती आपने दोबारा की फिर मैं तो क्या, कहीं की पुलिस आपको नहीं छोड़ेगी। नहीं नहीं मैम, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। थैंक यू सो मच। आशा, क्या सिया तो ठीक है ना? मैं आ रहा स्कूल अभी। हेलो, किसने कंप्लेंट की है? ठीक है मैं अभी आती। क्या हुआ मैम, अभी तक इसके पेरेंट्स आए क्यों नहीं? उन्हें इस बात का एहसास भी है कि कितना जरूरी मैटर है। मिसेस त्रिपाठी काम डाउन, समर के पापा अभी शहर से बाहर गए हुए हैं, उसकी मम्मी को हमने इन्फॉर्म कर दिया है, वो बस आती होंगी। ठीक है, तब तक सिया के भी पापा आ जाएंगे। कौन है इसके माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चे को ऐसी परवरिश दी है? ये समर की मम्मी है। आइए इंस्पेक्टर किरण माथुर। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।